सुधा माता को प्रिय मित्र है कृष्ण, खाली हाथ जाऊं तो कैसे जाऊं। अपनी धर्मपत्नी को बोलते, धर्मपत्नी कहते ठहरो रुको, कुछ तो होगा मेरी टूटी फूटी चौकड़ी में, मैं ढूंढती थी। बड़ा ढूंढने के बाद 3 रोटी सड़े गले चावल मिलते हैं, कहती यही है सब कुछ। एक तरफ भूख से प्राण त्यागते बच्चे, एक तरफ 3 मुट्ठी चावल। धर्म संकट में पड़ा है सुदामा, क्या करूं, बच्चों को खिलाकर प्राण बचा लूं या फिर श्री कृष्ण के लिए ले जाऊं। पत्नी मार्गदर्शन करती है, स्वामी अगर आज आपने 3 मुट्ठी चावल खिला दिए तो पेट तो भी नहीं भरेगा, कल फिर वही स्थिति पैदा होगी, इससे बेहतर तो ये है कि आप कृष्णा के लिए ले जाओ। अपनी मैली कुचैली साड़ी का एक आंचल फाड़ कर देती है, उसमें चावल बांध देती है, ले जाओ। सुदामा उस सड़ी गली पोटली को लेकर द्वारिका पहुंचते, फिर क्या होता है वो आप सबको पता है, जो शास्त्रों में लिखा भक्ति स्वागत। अब मुद्दे की बात होती है, स्वागत होने के बाद अब संध्या का वक्त है, पर सुदामा की किस्मत का सूरज उगने वाला है। संध्या का है पर किस्मत का सूरज उगने वाला है, भूलों की भरपाई होने वाली है। श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा इतने दिनों के बाद आया, खाली हाथ आया, विचार कीजिए, जिसका सिंहासन सोने का, जिसकी पूरी द्वारी का सोने की, उसे कुछ चाहिए। आज सोचना, विचार करना इस बात पर, जिसकी द्वारिका पूरे सोने की है, जिसका सिंहासन सोने का है, जो धन धान्य से संपन्न है, उसे कुछ चाहिए क्या? चाहिए कृष्ण को नहीं था, चाहिए था सुदामा को। ऊपर वाले को भी किसी का कुछ नहीं चाहिए, और हमारे पास है ही क्या जो हम उसे दे सकते हैं? वो त्रिलोकी नाथ, वो सृष्टि का रचियता, अगर वो चाहे 1 सेकंड में हीरो की बरसात कर सकता है पूरी सृष्टि पर। उसे किसी का कुछ नहीं चाहिए, परंतु चाहिए मुझे। करेगा तो पाएगा, यही उसकी कृपा है। कृपा का संधि विच्छेद कर लीजिए, क्या होता है? कर प्लस पा, कर ले और पा ले, बिना करे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कृपा चाहिए तो कर और पा मिल जाएगा।